इंडियन पेरेंट्स और इंडियन बच्चे जो हैं वो जनरली एक बड़ा नॉन कन्फ्रंटेशनल रिलेशनशिप रखने की कोशिश करते हैं। पेरेंट्स या तो बच्चों को एनकरेज नहीं करते बोलने के लिए, या बच्चे कई बार एम्पावर्ड फील नहीं करते बोलने के लिए, उन्हें ये लगता है कि शायद ये हमारी बात समझेंगे ही नहीं तो बोल के क्या फायदा, या उन्हें ये लगता है कि हमारी बात को गलत तरह से लिया जाएगा, इसलिए भी वो कई बार अपने इमोशंस, अपने फ्रस्ट्रेशंस, अपने इरिटेशंस पेरेंट्स के सामने नहीं रखते। और क्योंकि वो उन्हें चाहते बहुत हैं इसलिए रिलेशनशिप खत्म करने का भी ऑप्शन नहीं है। अब जहां पे ना रिलेशनशिप खत्म हो रहा है और ना प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, वो चीज बड़ी टॉक्सिक होती जाती है। ये जो लैक ऑफ डिसएग्रीमेंट है या ये लैक ऑफ कन्फ्रंटेशन है, इससे जो गलत है वो गलत करता चला जा रहा है, और जो अग्रीव्ड है, पीड़ित है, उसकी पीड़ा कभी खत्म नहीं हो रही। वो कोशिश करता रहता है कि जो उसका प्रेम है, जो उसका लव अफेक्शन है, वो उससे इस हर्ट को दबाता रहे, दबाता रहे, दबाता रहे। लेकिन क्या होता है, हर सक्सेसिव बार, दिन बर दिन क्या होता है, प्रेम कम होता जाता है और पीड़ा बढ़ती जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब लव अफेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है और पेन बिल्कुल 100% पहुंच जाता है। अब उस दिन जो लड़ाई होगी ना, उसके बाद कोई रिलेशनशिप नहीं बचेगा।